फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरे हाथ में ही एक नायाब कबूतर है, बेसिकली ठीक है, काफ़ी पुरानी नस्ल का कबूतर है ये। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी, इसकी आँख से शो करते हैं। बेसिकली ये कबूतर है, बेसिकली जालदार कबूतर है, ठीक है। लेकिन इसकी आँख देख लीजिए कौन सी आँख है, ठीक है। ये इसकी आँख, मैं थोड़ा फोकस करता हूँ इसको, आँख ये आ गई, इसकी आँख देखिए जी, ये इसकी आँख। अब कोई कहेगा जी हाई फ्लायर नहीं है, ये देख लीजिए, ठीक है। जालदार कबूतर है लेकिन आँख इसकी ये वाली है, ये देखो और अंदर, ये देखो ये दूसरी आँख भी उसकी देख लीजिए। मोस्टली लोग कहते हैं जी पीली आँख वाले कबूतर जो होते हैं वो होते हैं पट्टी वाले, या जो लो फ्लायर कबूतर होते हैं वो होते हैं, बट ये कबूतर देख लीजिए, ये मेरा बड़ा कबूतर है बेसिकली, ठीक है। मेन जालदार कबूतर जो है, जिसको मेरा मेन कबूतरों में से ही, वो जो टेढ़ी हड्डी वाला बच्चा पट्टा दिखाया था मैंने आपको, वो इसी का पोता है बेसिकली। तो अब मैं आपको इसके परों का शो करवाता हूँ। इसके पर देखिएगा, ये आ गए इसके पर, ये देखिए इसकी, पकड़ा नहीं इसको कभी, तो ये थोड़ा, ये देखिए इसके पर, पर देख लीजिए इसका, ये पूरा पर खोल, ये पर देखे, देखा पर, ये इसका पर है, और इधर से ये इसका पर है, ये पर देखिए इसका, ठीक है। और ये इसकी टेल, कोई वो नहीं है अभी एक पत्ते की टेल है या कुछ ऐसा, बट है ये वन टेल ही कह सकते हैं आप, दो पत्ते की टेल है इसकी, ठीक है। मैं बहुत बुरा बना रहा है हाथ में, तो ये इसके पंजू का शो करिए अब, ये इसके पंजे, ये देखिए इसके पंजे देखें, और ये इसकी ओवरऑल बनतर, ये जालदार कबूतर है ये, ठीक है। फ्रंट से देखिए पूरी इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, बिल्कुल कम्पैक्ट साइज का कबूतर है, बहुत बड़ा कबूतर नहीं है देखने में, लेकिन ये है कि ये खड़ी तख्ती का कबूतर है, और ये मतलब हाई फ्लायर है बेसिकली। इसके बच्चे सारे जितने भी अभी तक निकले हैं, ज़्यादा दो तीन बच्चे ही हैं इसके मेरे पास, तो अभी बीमारी की वजह से काफ़ी कबूतर ज़ाया हो गए, उसमें इसकी दो पट्टियाँ भी गई, एक रात रह गई वो भी नहीं आई, तो ये है इसका ओवरऑल, लेकिन ये अच्छा रिजल्ट है इस कबूतर का। तो चलिए जी, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।